नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। इंडिया गठबंधन और बिहार में कहें तो महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं सुलझा है। इन सब के बीच सूत्रों की माने तो आरजेडी ने एक बड़ी शर्त रख दी है। शर्त यह है कि आरजेडी बिहार में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि आरजेडी खेमे में इस पर गंभीरता से बातचीत चल रही है। आरजेडी ने कांग्रेस को 7 सीटों का ऑफर किया है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि 6 से 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6 से 7 सीटों पर ही आप चुनाव लड़िए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की डिमांड जो है वो इससे ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी 10 से 11 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और इसी को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। वहीं वामपंथी पार्टियों की बात करें तो तीनों पार्टियों को मिलाकर सिर्फ 3 सीटें देने को तैयार है राष्ट्रीय जनता दल वामपंथी पार्टियों को। यहां भी पेच उलझता दिख रहा है क्योंकि दावा जो है वो ज्यादा का है। दीपांकर भट्टाचार्य की बात करें तो उनकी पार्टी सीपीआईएमएल वो भी लगातार दावा कर रही है 5 से 6 सीटों का। सीपीआई का दावा 3 सीटों का है, सीपीएम का भी दावा 2 सीटों का है। तो कुल मिलाकर पेच अभी भी उलझा हुआ ही लग रहा है। खासकर महागठबंधन की बात करें बिहार में, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। 16 मार्च को बिहार कांग्रेस की बैठक हो सकती है चुनाव समिति की और इनमें इन सीटों पर फैसला लिया जा सकता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करने जा रही है बिहार में। क्या आरजेडी और कांग्रेस में सहमति बनती है या फिर अभी पेच और उलझ सकता है, क्योंकि 16 तारीख को यह बैठक है। और अगर आपको तेजस्वी यादव का बयान याद होगा तो जिस अंदाज में तेजस्वी ने कहा था कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग होगी उससे पहले बिहार में सीट शेयरिंग हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन पेच अभी भी उलझता दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आरजेडी 30 सीटों की जो डिमांड कर रही है इसमें अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ उनका सामंजस्य बैठ पाता है या नहीं? ये इस पर आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है उस पर भी आप अपनी बात हमें जरूर कमेंट के जरिए पहुंचाएं। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार। नमस्कार।